ता जो भगवान के सत्कर्म में, पुण्य में, धर्म में जितना कलिकाल में लगा है, भगवान उसके धर्म की, अर्थ की, सुख की और भक्ति की वृद्धि कराते रहते हैं। कमी हो ही नहीं सकती, बढ़ता ही जाएगा। भाई जी, मेरा नारायण कह रहा था, नारायण खेड़, तो वो कैसा 3 साल बाद कथा करा रहा है, बोले बाबू कथा थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज तो बड़ी कृपा है। तो मैं साउथ में था अभी, जहाँ गए थे आचार्य श्री, तो बच्चा मेरा बड़ा लाडला है, कह रहा था बाबू जब से आप आए खूब कृपा हुई राम जी की, बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों? उसको लगा कि भगवान में जाने पर बढ़ेगा। कलयुग में आप भगवान में थोड़ा सा करेंगे ना, उसका फल मिलेगा। इसलिए कलिकाल की प्रशंसा करनी चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी तो साफ साफ कहते हैं नाम महिमा, नहीं कली करमा न भगति विवे को, नहीं करमा मन बड़ी प्यारी, राम नाम कलिय भीम दाता, राम नाम कलिय भीम दाता, हित पर सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक, नहीं चाहे जैसे कर लो भाई, बज लो गा लो, फल मिलेगा। भगवान का नाम हित परलोक, परलोक का हितैषी है और लोक में माता पिता के जैसा लालन पालन करता है। कुछ नहीं करिए, कोई भी संकल्प आपका है वहाँ बैठकर भगवान के नाम का हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, आप कोई नाम गाने लगो। आप नहीं चाहेंगे तो भी वहाँ तमाशा खड़ा हो जाएगा, ठाकुर जी का व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। श्री हनुमान बाग ऐसे ही तो बन गया हो, केवल भगवान नाम संकीर्तन का प्रताप है। श्री अवध में पधारिए, श्री जानकी महल ट्रस्ट में 24 घंटा भगवान नाम, अब तो बाबू जी गए रहे, देखा आपने, 24 घंटा भगवान नाम चलता है। कोई क्या उद्यम है, जीवन में चलने दीजिए, चलने दीजिए, निरंतर चलने दीजिए, बंद हो जाइए, चलने दीजिए, देखिए क्या रस बरसता है। कलयुग में माता पिता, लोक पितु माता, लोक माता पिता नहीं, पिता, अरे जो पोषण करता है सो पिता,
और जो पालन करता है, लालन करता है, सो माता। पिता के तेज से, पिता के सत्व से, माँ के अंक से संतान का जन्म होता है, उसका पिता पोषण करता है और माँ लालन पालन करती है। पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, ऐसा तो राम नाम का आश्रय हो, भगवान नाम का आश्रय हो। कलयुग सब युगों से बहुत अच्छा है, हम जहाँ हैं वहाँ की अच्छाई का स्मरण करके जीवन को आगे गति प्रदान करें। कल बाबा याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को कथा यहाँ तक सुनाई थी, सती अम्बा सरकार के साथ कथा सुनने गोदावरी गंगा के निकट अगस्त्य ऋषि महाराज के आश्रम पधारे, कथा सुनाई गई, शिव जी ने श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण की, सती अम्बा कथा में बैठी रही, मन कहीं ब्रह्मा नहीं भटक गया। आते समय दंडकारण्य में भगवान के दिव्य वनवासी स्वरूप का पावन दर्शन भया, माँ को संशय हो गया, ब्रह्म अरे सर्वव्यापी मायापति अपनी पत्नी ढूंढ रहे हैं, आहा ये लगता है भगवान नहीं, ये तो जीव है, शिव जैसा कैसे बोलते हैं, मैं परीक्षा करती हूँ। कभी श्रेष्ठ की संत की मंत्र की परीक्षा न करे, मानना चाहिए, कुछ बातें तो मानने से चलती हैं, मान लेना इसी को मान्यता कहते हैं, मानना चाहिए। जो परंपराएं हैं उनमें अतर्क भाव रखते हुए मानना चाहिए, ऐसे से ऐसा होता है, होता ही है ना, हाँ। बहुत सारी बातें मानने से जीवन चल जाता है, हर बात में तर्क करना मनुष्य को नहीं चाहिए, माना गया माने, मान मानी बाबा माने, मान मानी शिव जी की अनुमति भेजाइए, परीक्षा करिए, आप भी चलिए, मैं बैठ के भजन करता हूँ, आप चलो। आया, परीक्षा लेकर माँ आई, भगवान ने अपना विराट दिव्य स्वरूप दर्शन कराया, जिधर देखी भगवान और मैया लक्ष्मण भैया वापस आई, सरकार का दिव्य स्वरूप दर्शन हो गया, युगल सरकार का भैया के साथ में माँ पहुंची, माया का स्वरूप जो बनाया था सती अम्बा ने सीता जी का, उस माया ने आसन ले लिया। हम किसी के भी नाम से कोई गलती कर बैठे, यदि उसकी सहमति है तब तो वो सही है, और उसकी असहमति है तो हम गलत हैं। कोर्ट भी कहता है साइन फर्जी है, जिसकी है उसने कहा ना मेरी साइन है तो सही है, साइन सही है, कोर्ट में करने वाले ने कहा मेरी नहीं है तो फर्जी है, व्यवहार है, माने की मान्यता है, नहीं माने की अमान्यता है। माया का स्वरूप बनाया था सती अम्बा ने, माया ने आसन ले लिया, बाबा ने पूछा लेने परीक्षा कवि कहो सर, मारे भय के सत्य कहना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, सत्य कहने के लिए अपने को बहुत तैयार करना पड़ता है, कई लोग तो बिना मतलब का सत्य कहते रहते, सत्य अकारण नहीं कहना चाहिए, और जिस सत्य को कहने पर आग लग जाए उससे अच्छा है चुप ही रह जाए, न बोला जाए। अच्छा ऐसा भी सत्य न कहें कि किसी का संबंध खराब हो जाए, ऐसा भी सत्य न कहें कहने के बाद हमको ही जो कह रहे हैं उन्हीं को रात भर नींद न आवे, न कहे। किसी कथा में एक बहू ने हमसे पूछा, महाराज श्री आप टूटी कोरिन में, हाँ
एक बहुरानी बोली, महाराज श्री आप कथा में कह रहे थे कि परिवार को समेट के रखना है तो सत्य न कहा जाए, सत्य न कहो तो रात को नींद नहीं आती है, चुप कैसे रहूं। मैंने कहा बेटी दवा ले लिया करो, सत्य न कहो। लेकिन हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है, मैं सत्य नहीं कह पाती तो मैं अपने बाल नोचने लगती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने उससे कहा तो मेरा नंबर ले लो, हमको टेलीफोन करके हमको सुना दिया करो, उसको न कहो जिसके लिए सत्य है। क्यों? सत्य बोलने से क्या क्या हो रहा है साहब, मीठे मीठे सुनाऊंगा। चाहे आप कथा के बीच से चले जाइए, चाहे बैठ के हमारे सामने पानी पीजिए, हम मना नहीं करेंगे। आपको जैसे रहना रहिए, हम तो भाई 3.5-4 घंटा अपने आनंद में रहेंगे, हम आपको टोकेंगे नहीं, आप जाओगे रोकेंगे नहीं, नहीं आओगे बुलाएंगे भी नहीं। हम तो आनंद के लिए 9 दिन आए हैं, अपनी मस्ती में रहेंगे। क्यों? सत्य बोलने पर खराब लगता है। महाराज देखो बीच बीच में टोकते हैं, नहीं टोकेंगे सब, आज के बाद से नहीं टोकेंगे। आपका मोबाइल बजेगा तब भी नहीं रोकूंगा, कथा सुनते रहो मोबाइल भी सुनते रहो, कोई अपराध नहीं है। क्यों? हम थोड़े वो सत्य बोल करके अपराधी बनेंगे, कदापि नहीं बनेंगे। सत्य बोलना घर में भी ठीक नहीं है, सत्य भी बोलना है तो मीठा करके बोलो। आप झूठ बोल रहे हैं कहने से अच्छा है आप कहिए आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। आधा घंटा उसको सोचने में लगे कि क्या कह गए बाबा जी, मीठा बोलो, कड़वा सच न बोलिए, नहीं तो बड़ी आफत है साहब। है ना कोई गीत है ना, सत्य ही बोलना है तो बोलिए लेकिन उसको मीठा करके बोलिए। माँ ने सीधा सीधा कुछ नहीं, माता छिपाना चाहती थी लेकिन माया प्रकृति ने आसन ले लिया और प्रेरित करके सती अम्बा से झूठ बुलवा दिया। क्या? कछु न परीक्षा लेने गोसाई कीने प्रणाम तुम्हारे तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जोगी चरित सब जाना बहुरी राम माय ही सिरुनावा प्रेरी सती जे झूठ कहावा एही तन सती शिव संकल्प बिन मन माही शिव संकल्प बिन मन माही शिव संकल्प बिन मन माही। सती अम्बा ने कह दिया कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी कर लिया। विश्वास नहीं भया, अंदर जाके भगवान शिव ने प्रभु के द्वारा दिया गया इनको उपदेश, इनके द्वारा किया गया सब लीला प्रोग्राम दर्शन कर लिया, संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नहीं, अब मुझे सती स्वरूप से पति पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं करनी। 87,000 वर्ष तक बैठे रहे बाबा। यहाँ एक बहुत प्यारा मंत्र है, जब तक निभ जाए तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। जब तक निभ जाए संबंध और जब न निभने योग्य ही बन जाए तब भी त्याग न करके मौन ले लेना चाहिए। मौन सब कुछ ठीक कर देता है, त्यागिए मत। कहां संकल्प लिया शिव बाबा ने? मन में लिया। कहा नहीं अब मैं आपका त्याग करता हूं, ना। शिव संकल्प कीन मन माही
एहि तन सती ही भेट मोहिरा। मन में संकल्प ले लिया, अखबार में नहीं, बताकर नहीं, मौन हो जाओ। अरे कोई व्यक्ति आपके द्वारा समझाए समझाए, बताए बताए समझाए, कुछ भी करे करे न समझे, तो उसके प्रति आप मौन हो जाओ। एक समय आएगा वो स्वयं समझ जाएगा। मौन अच्छे अच्छे को उपदेश दिला देता है।